कैप्टन देख के। अच्छा, कप्तानी की बात कर रहे थे सारे दोस्त, तो आप समझते हैं कि कप्तानी का बोझ जब पड़ता है तो फिर जाती जो परफॉर्मेंस होती है उस पर असर पड़ जाता है? देखे अभी होगी तो फिर देखते रहें, लेकिन ये प्लेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ प्लेस होते हैं उन पे जिम्मेदारी ज़्यादा डाली जाए तो उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। मुझे खुद ये फील होता है कि जब मैं एज ए कैप्टन खेलता हूँ, कहीं भी खेलो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लीड फ्रॉम द फ्रंट करूँ और खुद पे सारी जिम्मेदारी लेता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जब मेरे पे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है तो मुझे लगता है कि मेरी अच्छी परफॉर्मेंस होती है। आप जो नए प्लेयर हैं, स्पेशली अनके प्लेयर जैसे एहसान उल्ला है, समान है, साइन अयूब, उनको क्या एज कैप्टन क्या मैसेज देंगे? आज सिंपल जिस तरह के वो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उनकी ये है कि जितनी अच्छी उनकी फॉर्म लगी हुई थी उसके फ़ौरन बाद ही वो सीरीज़ होने जा रही है, तो अच्छी फॉर्म को यूटिलाइज करें और जिस तरह की सिंपल क्रिकेट खेलें, क्योंकि जिस तरह का PSL का हमारा स्टैंडर्ड है उसके बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मोस्ट प्रॉब्ली सेम ही होता है, तो बस आपने उधर परफॉर्म किया और इधर आके भी वैसे ही परफॉर्म करने की कोशिश करें। डेफिनेटली कंट्री का थोड़ा प्रेशर होता है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल ये चीज़ें हमें कंट्रोल करनी पड़ती हैं और बस जाएं और क्रिकेट को एंजॉय करें। डेफिनेटली मेरी मेरी कोशिश होगी अभी राशि से भी बात करूं, और क्योंकि ये जेंटलमैन गेम है, हमें जेंटलमैन की तरह खेलना पड़े, और जब ऑन द फील्ड भी जो चीज़ें होती हैं वो भी नहीं होनी चाहिए, और ऑफ द फील्ड जो भी हमारे सपोर्टर्स होते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये गेम है, क्रिकेट गेम है, और इसमें हार एक टीम ने जीतना, एक टीम ने हारना, आप डेफिनेटली अपने कंट्री को सपोर्ट करें, लेकिन अगर कंट्री हार भी जाती है तो उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप जो हमारे पिछले मैचेस में हुआ है तो वो कोशिश करें कि वो ना हो, और स्पिरिट में रह के आप देखें भी, और हम कोशिश करेंगे स्पिरिट में रह के हम खेलें भी। से देखिए मैं कप्तानी तो दूसरी बार ही कर रहा हूँ, लेकिन नए प्लेयर्स का जिस तरह मैंने पहले भी बोला था, सबसे अच्छी बात यह है कि वो अच्छी फॉर्म है और रिसेंटली फॉर्म उनकी अच्छी है, और जब एज ए प्लेयर आप आपकी फॉर्म अच्छी होती है आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो अलग ही होता है, और अपॉर्चुनिटी उनकी ये मिली है कि वो फॉर्म के साथ ही सीरीज होगी तो उसकी वजह से वो उनको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, वही फॉर्म कैरी करके पाकिस्तान के जो अपनी PSL फ्रेंचाइज के लिए वो परफॉर्म कर रहे थे वो अब पाकिस्तान के लिए करेंगे, तो प्रेशर तो वैसे भी आप स्टार पहनते हो तो प्रेशर वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो वो तो प्रेशर को कंट्रोल करना हमारे हाथ में। तो इस ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान की बड़ी यादगार फतवा थे, कई यहाँ पे रिकॉर्ड बने, तो यहाँ पर आके शारजा में पाकिस्तानी टीम की कप्तानी करना कैसा फीलता है? देखिए एज ए प्लेयर आपका ड्रीम होता है कि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, और अगर आप उस कंट्री को लीड करते हैं तो उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो नहीं सकती, क्योंकि आप आपका ड्रीम ये होता है कि उस टीम के लिए खेलें, लेकिन आप उसको अल्लाह ताला ने वो आपको अपॉर्चुनिटी दी है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जिस तरह का हमारी टीम में टैलेंट भी है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक अच्छी सीरीज़ आप सब लोगों को देखने को मिले। हम इसको पॉजिटिव साइड पे लेना चाहिए, और जितना भी हम प्यार से गेम्स को देखे और मोहब्बत से देखे तो यही बेहतर है, और दुनिया को भी यही मैसेज जाता है, इट रिप्रेजेंट नॉट ओनली यू नो द होल कंट्री, एंड जो भी कोई एक्ट करता है तो इट्स नॉट ओनली हिम, बिहाइंड दैट इज द होल कंट्री, यू नो पीपल उसी के बारे में फिर बात करते कि तो आई फील लाइक विनिंग लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम, बट as long we make sure we enjoy this game, this beautiful game, and you know it should be spreading positive message rather than negative message, and that's all we are playing for, you know, and I hope that all three games, you know, go with well disciplined, with full of love, and make sure we enjoy both the fans, and we show some fantastic cricket in the middle.